बंदी छोड़ दिवस से श्री अकाल तख्त साहब तो अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों संदेश दिता जाता है। उत्थे ही निहंग जथेबंदियों का वख वख जथेबंदियों का सन्मान भी किया जाता है। और इस तरह समागम तो उपरंत एक निहंग सिंह वालों श्री दरबार साहब अकाल तख्त साहब विखे माइक फड़ के कुछ भावनावां अपनी दसन लई माइक फड़िया जाता है, जिस तों बाद जिहड़ा है कि माइक नूं ओह बंद कर दिता जाता है और वीडियो जिहड़ी है काफ़ी वायरल हो रही है। और दसिया जाता सीगा कि निहंग सिंह जिहड़े सन ओह उत्थे कितना ना कितने नकली बाणे दे विच आए सन, पर इस सारा स्पष्टीकरण आपां उत्थे ही लवांगे। निहंग सिंह उही साडे नाल मौजूद ने, सुखचैन सिंह जी उन्होंने परिवारक मैंबर ने, उन्होंने परिवार में पहुंचे हैं। सुखचैन सिंह जी की कहना चाहोगे, की मामला सीगा और किहड़े जथेबंदे तों तुसीं हैगे हो? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी पुरातन बुढ़े दल की जथेबंदी तो संबंध रखते हाँ, तो ये दसना चाहते हैं कि जिहड़ी साडी भावना सीगी वो एक अकाल तख्त साहब नूं समर्पित आ, हमेशा समर्पित रहेगी। तो उत्थे जदों असी गए माहौल दे हिसाब दे नाल उत्थे अकाल तख्त साहब जो प्रोग्राम चल रहा सीगा, वो प्रोग्राम दी जो नक्शा बनिया उहदे विच असी भी शामिल होए। तो शामिल होकर देखा गया कि उस समय जो निहंग सिंह जथेबंदियां सवैये पढ़ रही सी, सवई पढ़दे दौरान दास थले बैठा होया सीगा। थले बैठिया महाराज की कृपा हुई ऐसी, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की मन च विचार आया भी निहंग सिंह जथेबंदियां उत्थे सवैये पढ़ रही ने। तो अज नाल ही गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का बंदी छोड़ दिवस आ, जिथों असी भाव लाने भी सानू बंधना तो छुड़ा देंगे ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, असी सच्चे मन अरदास करिए। तो सिख की भावना सच्चे मन अरदास करन दी जिहड़ी हुंदी है, वह सच्ची सारे संसार तों मुक्ति दवा देंदी है। तो महाराज की कृपा हुई जदों स्टेज लगी सी, तो दास नूं महाराज का हुक्म होया, तो दास उत्थों उठ के महाराज अगे अरदास करदा भी महाराज एवें दे माहौल च मैं कित्थे खलो सकदा वा, मेरी की पावर आ, मैं निहंग सिंघां दे विच जा के उन्हां नूं ये दसा। तो महाराज कहिंदे नहीं, अज समा आ, अज गल करन दी लोड़ आ, जे अज असी गल नहीं कीती तो साडा जिहड़ा समा उल्ट जा रहा आ, इन्हें बिगाड़ के रख देना आ, इन्हें जिन्नियां भी संपर्दावां ने तोड़ के रख दित्तियां, समय अनुसार सारे असी खेरू खेरू हो गए। वो बाणी की पंक्ति होंदी है ना, खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। हुण बचन की गल आ, तो जिहड़े हुण बचणगे उही जिहड़े शरण च आउणगे। तो अज अकाल तख्त साहब तो ऐलान होया, महाराज ने अपने सेवक के सिर ते हाथ रख के ऐलान कराया कि सच जिहड़ा है वह किवें प्रगट होएगा। वो इस तरह प्रगट होना, गुरु प्यारी साध संगत जी बुढ़े दल की मैं गल करा, बाबा विनोद सिंह जी पहले जथेदार होए ने बुढ़े दल दे, जिन्हां ने बहुत तन मन धन दे नाल सेवा निभाई। तो इस तरह इतिहास पढ़िया जाए तो दर बर दर जथेदार बदलते रहे। सतवें जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी, जो कि बुढ़े दल के जथेदार भी सन, तो नाल ही अकाल तख्त साहब के भी जथेदार सी। तो दास ने अपनी भावना रखी कि जे ये चीज़ उस समय सी तो असी चढ़दी कला च सी, तो अज असी क्यों चढ़दी कला च नहीं जा रहे, अज समा क्यों सानू इस समय च लैके आया है, क्यों खिलारा पाया समय ने। इस चीज़ की भावना याद कराद महाराज ने याद कराया कि जे बाबा हनुमान सिंह जी अपनी चढ़ती कला के अज भी मोहाली के स्थान बनया चढ़ती कला वाला, तो जे अज भी संगत उन्होंने दर से आ के अरदास करती है तो पूरी होंगी है। इन्नी शक्ति मान लें कि तुहाड़ी भावना सी कि पहला भी जदों के निहंग जथेबंदी के उत्थे जथेदार रहे हैं, पर एक गल आप बह के भी कर सकते सी माइक दे विच, इस तरह जाना लगता नहीं कि अकाल तख्त साहब की मर्यादा के उल्ट सीगा? देखो जी, दास की भावना जिहड़ी है ना, वह समय अनुसार खोज कर रही थी भी ये जी सच आ की है, तो कारण की है, इनू न अगे ना आने के कारण की ने। और जिस तरह दास ने देखा कि अलग अलग संप्रदावान भी प्रेम है अपना, आप संप्रदा के बारे माड़ा नहीं कहते, ना ही आप संप्रदा किसी माड़ा समझते हैं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने जिस तरह का विचार आया उदा के समय में तैयार किया है, कोई ये कोई माड़ा नहीं है, कोई गलत नहीं है। जो महाराज कराते हैं उ बंदा करता है, बंदा अपनी भावना ना कभी कुछ नहीं करता, जो महाराज का हुक्म हों करते हैं। तो इस अनुसार अज समय के अनुसार जिदा जिदा कोई रोल अदा कर रहे हैं, उत्थे गुरसिख नूं इह रोल मिलिया कि नहीं ये जिहड़ी आपां अज समय के अनुसार चल रहे हैं इन्हां नूं एकत्र करिए, आपां इह रोल ना अदा करिए जिहदे नाल साडे विच खिलवाड़ पैण, असी नफरत दे नाल वेखीए किसे नूं, असी गरीब नूं गरीब दा अहुदा दईए, असी उहनूं गल ना लाईए, तो जिहड़े अपने समय अनुसार अज खेड बनाईए ना, इहनूं दूर करके वधिया पढ़ाइयां दा इंतजाम कराईए, गुरसिखी लैवल ते आपां अकैडमियां खोलीए, ते अपने जिन्ने भी
हिंदू वीर मुसलमान वीर सारे ईसाई सारे आप रल मिल के गुरु नानक की शैली को समझिए कि अभी चढ़ती कला चाहिए। सो हुण कितना कितने बयानबाजी आ रही है होर जथेबंदियों के आगुओं वालों सिख कौम के भी इन्होंने अकाल तख्त साहब की मर्यादा जी है वह भंग की है। जेकर तुहानू अकाल तख्त साहब वालों तुसीं इस गल नूं लैके माफ़ी मंगदे हो सिख कौम तो जिवें कोई गलती होई तां मैं माफ़ी मंगदा सिख कौम तो अकाल तख्त साहब तो। मैं हमेशा ही पंथ के थले नीवा होकर चलिया तो चलता रहा तो पंथ जिहड़ी भी मैनूं सज़ा लाएगा मैं वह अकाल तख्त साहब ते लैण नूं हर टाइम तैयार हाँ। जदों मैनूं अकाल तख्त साहब तो बुलावा आएगा सिख भज्जा जाएगा सिख इस चीज़ की नहीं सोच रखेगा भी मैं अकाल तख्त साहब नूं हमेशा ही समर्पित हाँ। जिहड़ी भी मैनूं सज़ा अकाल तख्त साहब वालों मिलेगी मैं लैण नूं तैयार हाँ। ठीक है सो ये चंद सुखचैन सिंह जी जिहड़े कि बाबा बुढ़ा दल दे दल दे विच हन और निहंग सिंह ने परिवार सारा इन्हों का गुरसिख है निहंग सिंह ने सारे जथेबंदियों नाल इन्हों का तालमेल हैगा और इन्हों का कहना है कि जेकर मेरे को गलती हुई है तो मैं माफ़ी मंगदा और अकाल तख्त साहब वालों जेकर इन्हों को सज़ा भी सुनाई जाती है तो सज़ा भी भुगतन तैयार हैं। कैमरा परसन हरप्रीत सिंह दया सिंह राजपुर।